हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 8, डिवीज़न। सो डिवीज़न की बात करते हैं। आज जो हम डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक। पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, फर्स्ट है, व्हेन अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज वन। किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा वन आ जाता है। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 278 को 278 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। सेकंड, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट भी हमारा वो सेम नंबर ही निकल के आ जाता है। जैसे 15 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1564 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1564 ही आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम नंबर ही आएगा। 3 को करोगे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर द क्वेश्चन इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आएगा हमारा, 0। 0 को 14 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 416 से डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा, ठीक। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आना है हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 67 डिवाइड बाय 67। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि सेम नंबर को सेम नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1, ठीक। 2065, इसे हम कौन से नंबर से डिवाइड करें जो सेम नंबर आ जाए। अगर हमें डिवाइड करके सेम नंबर लाना होता है तो हम 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमें किसी नंबर को डिवाइड भी देना है और आंसर भी चेंज ना हो, वही आंसर है जो नंबर था, तो ऐसे में हम कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 से। 1 से अगर हम 2065 को डिवाइड करेंगे तो 2065 ही हमारा आंसर आ जाएगा। 96 डिवाइड बाय 1, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वही सेम नंबर आ जाता है, क्वेश्चन हमारा सेम रहता है, तो 96 ही इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 96 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 से। 0 को एनी नंबर, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। नेक्स्ट, 0 को डिवाइड कर लो 536 से, बिल्कुल सेम पहले वाला हो गया। 536 का यहाँ पे कुछ भी होता, 1 होता, 2 होता, 4 होता, मतलब यहाँ पे जो है कोई भी नंबर होता तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर 412 को 412 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर से वही बात आ रही है, 918 को 918 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जैसे पहले सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया था तो 1 आया था। 0 को चाहे 1 से डिवाइड करो, चाहे 618 से डिवाइड करो, चाहे 536 से डिवाइड करो, चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आता क्या है हमारा 0। 406 को किस से डिवाइड करें जो 1 है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। 406 को 406 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, जैसे सेम था। 406 को 406 से डिवाइड करें तो 1 आया था, ऐसे ही 506 को 506 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है सॉल्व हो चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में या फिर आगे आपको नंबर ये सेम ही दिखाई दे, तो आप फोकस करना समझने पे, इन्हें याद नहीं करना, इन्हें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड एंड फाइंड क्वेश्चन। हमें इन्हें डिवाइड करना है और क्वेश्चन जो है फाइंड करना है। सो देखते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 882 को हमें डिवाइड करना है 7 से। 882 डिवाइड बाय 7, तो 882 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हमारा बाहर के साइड आ जाएगा, और जिसको हम डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे वो बाहर, और जिसे डिवाइड करेंगे वो अंदर। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ रहा है 8, और यहाँ पे हमारा है 7। 7 का हम टेबल पढ़ेंगे, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14। 14 तो हमारा ज़्यादा हो गया बहुत, यहाँ पे तो 8 है, तो 7 वन ज़ा 7, 8 में से हमारे 7 माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे, 1। अब हमने नेक्स्ट नंबर उतार लें, नेक्स्ट है हमारा 8,
वन एंड एट हमारा 18 हो गया, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा 14, सेवन थ्री ज़ा 21। अब 21 हमारा 18 से ज़्यादा हो गया, तो फिर से सेवन टू ज़ा हमारा 14, और 18 में से जब हम 14 माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करें तो कितने हो गए 4, और 1 से 1 तो हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट नंबर हमने जो था 2 वो हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब ये हो गया 4 एंड 2 42। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें पता है 7 सिक्स ज़ा 42, और 42 में से 42 हमारे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया 126। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 726 डिवाइड बाय 6। 726 को 6 से डिवाइड करना है, सो 6 हमारा बाहर की साइड आ जाएगा और 726 अंदर की साइड। 6 वन ज़ा 6, 7 में से 6 गए 1, और 2 हमने नीचे लिख लिया, 1 एंड 2 अब हमारे हो गए 12। 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12, और 12 में से हमारे 12 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और नेक्स्ट डिजिट हमने उतार ली ये हमारी 6। 06 का मतलब भी हमारा 6 ही होता है, 06 का मतलब भी 6 होता है। सो 6 वन ज़ा 6, एंड 6 में से हमारे जब 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 8। 360 को डिवाइड करना है हमें 8 से, तो 360 अंदर एंड 8 बाहर। अब ये 3 हमारा 8 से छोटा है ना, तो कभी भी 8 के टेबल में 3 आ ही नहीं सकते, जब 3 छोटा है तो हम टू नंबर्स को एक साथ देखेंगे, 3 एंड 6 36। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32, ठीक है, 8 फाइव ज़ा 40, 40 तो हमारा ज़्यादा हो गया, तो सो 8 फोर ज़ा 32, 6 में से 2 गए हमारे बच गए 4, 3 में से 3 तो कैंसिल हो गया हमारा, सो 0 हमने उतार ली, 4 एंड 0 40, 8 फाइव ज़ा 40, 40 से 40 हमारा कैंसिल या फिर 0, एक ही बात है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया इसका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 954 डिवाइड करना है 6 से, सो 954 हमारा अंदर की साइड आ जाएगा ब्रैकेट के, और 6 हमारा बाहर की साइड। 9 तो हमारा 6 से बड़ा है, सो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 तो हमारा ज़्यादा हो जाता, सो 9 में से 6 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 5 हमने एज इट इज़ उतार दिया, 3 एंड 5 हमारे होगा 35। सो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30, 6 सिक्स ज़ा 36, यहाँ पे है 35, और 36 हमारा ज़्यादा हो गया, सो 6 फाइव ज़ा 30, 5 में से 0 गए 5, और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, सो हमने उतार लिया यहाँ पे 4, 5 एंड 4 54, 6 नाइन ज़ा 54, 54 से 54 हमारा कैंसिल, या 54 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0, सो इसका क्वेश्चन हो गया हमारा 159। तो इसी तरीके से आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, इसमें आपके 12 क्वेश्चंस हैं और आपको फेयर पे 12 के 12 क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक। 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।